नमस्कार दोस्तों, नए से वीडियो में स्वागत है आपका। तो मैं अभी जा रहा हूँ हटिया धुंधी बाजार। और तुम गाड़ी धीरे चलाओ भाई, ना तो आप साउंड आई आराम से। तो सब्जी खरीदेंगे और दिखाते हैं। मैं अभी बोकारो में हूँ, आजाद नगर हटिया। हम धुंधी बाजार इसलिए जाते हैं ना कि वहाँ सब्जी सस्ता मिलता है। जो आलू मार्केट में आपको 30 रुपया मिल रहा होगा, तो आपको वहाँ पर 20 और 25 रुपये मिल जाएगा और बढ़िया क्वालिटी मिलता है। और मेरे साथ है सुनील जो कि रेलवे में काम करता है, और मैं हूँ बेरोजगार जो आर्मी से रिटायर्ड हूँ। तो चलिए कैमरा कर लेता हूँ बैक और आज आपको धुंधी बाजार दिखाता हूँ कि कैसे वहाँ पे सब्जी लगता है और कैसे खरीदते हैं और क्या क्या है। मतलब वहाँ पे मतलब सब्जी का पूरा वैरायटी मिलेगा। सब्जी है, कपड़ा है, मसाला है, लेकिन आज जो वीडियो होगा बिल्कुल सब्जी पे होगा। दो तीन जगह से दाम पूछेंगे कैसे बिक रहा है और उसके बाद आपको दिखा देंगे मतलब मार्केट कैसा है। चलिए कैमरा कर लेता हूँ बैक और मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी आ गए हम लोग मेन रोड पे, जो प्लांट के किनारे किनारे रोड है ना। देखिए ये बोकारो प्लांट है और इसके किनारे किनारे हम लोग चल रहे हैं। और प्लांट का छुट्टी 5 बजे हो जाता है तो भीड़ कमी है। पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है भाई। हॉर्न मत मारो यार, जाओ केटीएम है, पता है आपको। केटीएम वाला से भाई कोई नहीं जीतेगा। चलता है धीरे ही, लेकिन आपके पास से गुजरेगा ना तो पूरा हॉर्न मारेगा तेज एकदम। और हम लोग के घर से ज्यादा दूर है नहीं, मुश्किल से हार्डली 3 किलोमीटर है। और जब भी हम लोग बल्क में सब्जी खरीदते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि आलू प्याज ज्यादा 5-5 किलो लेना है, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। अपने जो पास का दुकान से लेते हैं ना, तो आलू पे भी 5-10 रुपये ज्यादा लेगा, आलू का क्वालिटी भी अच्छा नहीं होगा, तो मतलब ऐसे बिकता है वहाँ पे। तो ये लगता है आपको इतवार को लगता है, मतलब संडे को नहीं, हिंदी में बोल देते हैं, मेरा इंग्लिश कमजोर है। एक तो इतवार को लगता है, फिर मंगलवार को, और फिर बुधवार शुक्रवार, 2 दिन गैप, और फिर संडे को लगता है। मतलब सप्ताह में 3 दिन लगता है। मैं आपको एक छोटा सा बाजार दिखा देता हूँ, यहाँ पे ज्यादा नहीं है। अब क्या है कि यहाँ से लोग प्लांट से निकलते हैं गेट से, और मेन गेट के सामने ही मतलब ये बाजार है। और आगे चल भेजेगा रुको तेरे कोयला थोड़े खरीदे के बाद घुसा दे। देखिए रुक गए ना, तो थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। यहाँ पे क्या है कि एक ही आदमी आलू प्याज बेच रहा है, और मतलब कम दुकानें हैं। अब देखिए वहाँ पे सामने आपको एक आलू प्याज मिलेगा। एक बार आपको दिखाई देता हूँ बाजार में। और हरा सब्जी आप ले सकते हैं, और जितने भी लोग प्लांट से निकलते हैं ना, तो यहीं से लेते हैं सब्जी। तो बट मैं यहाँ से खरीदूंगा नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादा लेना है, फिर भी रेट पूछ ही लूंगा मैं। चलिए रेट पूछ लेते हैं कैसा है। कैसे बाबू ये प्याज? 25-25। आलू भैया? भैया आलू? आलू वाला 5 किलो। ललका? लाल 20-25 किलो। अच्छा ललका आलू 20 रुपया, 15 रुपया, और प्याज 25 रुपया। देखिए उजरका आलू 15, ललका 20, और प्याज 15। अब एक ही आदमी है यहाँ पे बेचने वाला, तो सो इसलिए लूंगा नहीं मैं। भैया कैसे बा पत्ता गोभी? 1.5 किलो 20 रुपया। तेजस से ना ली आई, चल जा। ओल कैसे बा भैया? 40 रुपया। हाँ तेजस से ना ली आई, चले के सब्जी निकल में सस्ता खरीदा। मकई के रेट में भिंडी 15 रुपया। एक आलू प्याज बेचते बा, ज्यादा अले देखे। तो यहाँ पे क्या है ना, ज्यादा ऑप्शन है नहीं, और आलू एक आदमी बेच रहा है। रेट तो बता ही दिए गए 20 रुपया 15 रुपया। अब चलिए हटिया में आपको दिखाता हूँ, वहाँ बहुत सारा ऑप्शन है और बहुत बड़ा बाजार है। और ये प्लांट से लोग आ रहे हैं, तो मेन क्या है ना कि जो लोग प्लांट से निकलते हैं तो यहाँ से सब्जी खरीद लेते हैं, और सस्ता भी मिलता है, ऐसा नहीं बोलता हूँ। अगर बाकी बाजार से आप कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ पे सस्ता मिल जाए। तो चलिए फिर कैमरा बैक करके आपको थोड़ा रास्ता भी दिखा देता हूँ। अब हम लोग नया मोड़ पहुँचने वाले हैं, लगभग क्या पहुँच ही गए हैं। और ये दाहिने साइड वाला जो रोड जा रहा है ना, यहाँ का बस स्टैंड है बोकारो का। सब जगह का बस यहीं से मिलता है।
इधर भीड़ ज्यादा रहता है थोड़ा, क्या है कि माल लोड का गाड़ी भी खड़ा है। तो ये देखिए नया मोड़ आ गए, बिरसा मुंडा जी का मूर्ति है, बिरसा मुंडा चौक भी बोलते हैं इसको। आई लव बोकारो। और ही चला जाएगा कोऑपरेटिव, जो गुपचुप खाए थे ना यहीं का वीडियो है। हम लोग का स्प्लेंडर का गाड़ी है ना, सब हम लोग को हरा दे रहा है, तुरंत तुरंत हरा दे रहा है। अगर आपको लकड़ी का फर्नीचर लेना होगा ना बोकारो में, देखिए किनारे किनारे सब फर्नीचर का दुकान है। अब अच्छा है कि खराब है आपको ऊपर च्वाइस करके लेना है। अब यहाँ से हम लोग दाहिने मुड़ेंगे और हटिया में एंट्री कर जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा ऑटो वाला डिस्टर्ब करके रखता है सब। सिमन में ये देखिए तो आज भीड़ कम है भाई। अयो आज भीड़ कम है, सस्ता सामान मिलता है यहाँ पे। मैं ब्रांडेड कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सब सस्ता सामान। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जिसको ब्रांडेड सामान खरीदना है वो यहाँ पे ना आए, जिसको सस्ता सामान खरीदना है जैसे 40 रुपया में कच्चा मिल जाता है। ताला चाबी सब कुछ रेडी हो जाता है। 20 रुपया का कच्चा, 20 रुपया का गंजी, एकदम सीधा। हाँ सीधा चल, आगे से दाहिने ले लिए। हाफ पैंट गंजी 20 रुपया 40 रुपया से स्टार्टिंग है। देखिए जो रास्ता है ना, मेन बाजार नहीं है यहाँ पे, आलू और प्याज का गोदाम का जो गाड़ी आता है ना बड़ा बड़ा, देखिए सब गोदाम है यहाँ पे, सब माल इधर ही उतरता है। तो हम लोग को बोरा नहीं लेना है, तो हम लोग साइड साइड से चल रहे हैं। आगे से दाहिने ले ले भैया से। हाँ आज गेंदा के फूलों ले आई। तो भाई अब हम लोग हो गया मार्केटिंग शुरू। कैसे बा मकई? 16 रुपया। तो भाई आज भीड़ बहुत कम है, और बहुत कम है तो ऐसा हाल है हटिया में मकई। 15 रुपया किलो मकई। पच्चीस रुपया में 2 किलो मकई। आओ तो नहीं जा। तीस रुपये प्याज। तेज अगर यहाँ पे अगर रेट थोड़ा टाइट भी मिलेगा ना तो भाई आपको सामान बढ़िया मिलेगा, तो ऐसा हम लोग को लगता है। प्याज कैसे हो भैया? कम ना हुई? आलू तो जोगल गेट पे ही रेट बा हो। पाँच किलो आलू लेम, 3 किलो प्याज लेम। वह रेट लगा दिल कम ना करब? आलू में 5 रुपया ले लो तो बड़ बड़ दिया, छोट आलू मत दिया, छोट मत दिया। दाम रखे दो। तो भाई 20 रुपया किलो आलू बा, जहाँ वहाँ जो दोगल के तो मिल रहा था ना वही रेट है यहाँ पे भी। ज्यादा बड़ा भी मत दीजिएगा, मीडियम में। हाँ और व्हाइट वाला बिल्कुल नहीं, एक जा रहा है। दोनों आलू में क्या अंतर है स्वाद का? नहीं मतलब ये वाला आलू कहाँ का है? व्हाइट वाला बंगाल का, और लाल वाला मतलब ये गोला मतलब झारखंड वाला है।
खाने में टेस्ट किसका है? खाने का टेस्ट दोनों का अपना अपना जगह पर सही है, अपना अपना जगह पे। ये थोड़ा मीठा लगता है व्हाइट वाला ना, यूपी वाला जो आता है वो मीठा लगता। 5 किलो आलू और 2-3 किलो प्याज और तनी अदरक लहसुन पूछ ले जाए। लहसुन कैसे हो भैया? अदरक 100 ग्राम 20 140। फूल गोभी कैसे बटे? 60 रुपये यार, बड़ा महंगा महंगा है। लहसुन कैसे भैया? पाव बताओ ना। 45 लौकी कैसे बा? एगो से एक काम करी, 1 किलो भिंडी दे दी आ 1 किलो लौकी दे दी। जो 16 वाला मिला था वो कौन है? एक दूसरा का मीठा मकई स्वीट कॉर्न आग में पका का खाने वाला स्वीट कॉर्न। अच्छा, ये मैंने उबाल के खा सक रहा हूँ। इसको पहले दाना छोड़ा फिर उबला ला, हल्का सा गर्म पानी में करके बॉयल करना। अच्छा, इसको मिर्चा तेल प्याज देकर के फ्राई कर खाना है ना। तू ले लो स्वीट कॉर्न तरह करे बनी तो हम खा ले। हाँ, एक आज मिली तो खा ले। बनी बनी एक जगह एक ही ले ली का, एक ही दी भी है, एक ही दाल में डाल के बनावे के बाद। अरे दाले में डाले के बाद ज्यादा क्या हुई तो छाट। एक किलो हो गई, कितना पैसा हो गया भैया? कितना भिंडिया कितना है भिंडी? लौकी 40 रुपए तो होते बा। पांच पूरा भारी हुए है यार, ज्यादा सामान हो गया। अभी और भी घूमना है हम लोग को, देखते हैं और थोड़ा सा रेट आपको दिखाते हैं कैसे है क्या है। केला 40 रुपया भैया, केला 40 रुपया बा। हाउ का सुनील चिरचिट्टा चिरचिट्टा कैसे भैया? 20 रुपया मेरा आरू से बनबे ना करिए, मेरा ऐसा बना दी कि खाते रह जी वो भाई लोग। कैसे बा भैया लौकी? कैसे बा भैया लौकी? 20 टका। अब चलो लहसुन लिया जाओ, धनिया पत्ता लिया जाओ, अदरक लिया जाओ, तो बाकी सब्जी लिया तो रही बैगन। इधर भीड़ ज्यादा है, देखिए इधर पूरा बर्तन आगे पूरा सब्जी का मार्केट है। अब इधर घूम जाते हैं हम लोग। प्याज कैसे हो भैया? 30 रुपये। यहाँ देखिए प्याज 25 रुपया है, हम 30 रुपये ले लिए। पता नहीं क्वालिटी का अंतर होगा लेकिन अफसोस हो रहा है। यही है ना, वीडियो बनाने के चक्कर अपनी ठगा जाता है। आई तो छांट के लीजिए सस्ता। रुकिए पहले आलू टांग के आ जाते हैं। तो भाई 3 तरह के लहसुन है यहाँ पे, खुला वाला 30, छोटा वाला 35 और ये वाला 40। और यहाँ पे आपको मिलेगा केवल लहसुन, अदरक और हरा मिर्च। और अदरक कैसे बोल रहा भैया? अदरक 100 ग्राम दे दो अदरक। तो लगभग मार्केट हो गया है। अब मर्चो दे दे एक पाव ही में। कैसे हो मर्च भाई वाला? दोनों में का अंतर हो भैया? तो मानी तीखा ज्यादा बा है? तीखा ज्यादा बा? एक बार
35 एक ही बात तो 5 रुपए कहाँ ज्यादा यार, कोई बात नहीं। और वीडियो बनाने के चक्कर में सब काम गड़बड़ा जाता। कितना हो गया टोटल? 75 रुपये। 75 रुपये का तो भाई है ही हो गए। अदरक लहसुन और मरीचा ये न बात बा, झोरा पूरा खाली है बा। अभी पहले गाड़ी पे आलू प्याज टांग दे हम, उसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं सामान। अच्छा धनिया पता लेना भूल गए थे यार। धनिया पता कैसे भैया? 100 ग्राम 10 रुपया का 100 ग्राम धनिया पता। ये ठीक बारू? अरे बढ़िया धनिया के पत्ता 10 के 100 10 के 100 10 के 100। बरबटी कैसे हो भैया? 20 रुपया किलो बाबू। कितना दी? आधा किलो। सबसे खास बात, झोला लेके आइए, पोलथीन कम कीजिए। यहाँ पे हम झोला लेके आए हैं तो पोलथीन नहीं लेंगे। बहुत पुराना झोला है मेरा, 4 साल से चल रहा है, 10 रुपया वाला। आदमी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा हो गया सब्जी, ले लिए हम लोग पूरा एक झोला, 2 झोला गाड़ी में टांग दिए हैं। और यहाँ पे खांसी बहुत ज्यादा होता है, सरकता बहुत ज्यादा है।